कहीं पर पर्टिकुलर किसी प्रदेश में किसी चुनाव में हार जीत लगी रहती है, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उसके आधार पर हम समाज को कमज़ोर कहने की बात कहें तो समाज कमज़ोर नहीं हुआ। ये हो सकता है कि विचारधारा में परिवर्तन हुए हों, ये हो सकता है कि विचारधारा में परिवर्तन करके जो विचारधारा में परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तित विचारधारा लोगों की समझ में ना आ रही हो, वो तो बात अलग हो सकती है, पर अत्याचार तो बढ़ रहे हैं। अत्याचार तो बढ़ेंगे जब सत्ता दूर जाएगी, कमजोर नहीं, जैसे जैसे सत्ता दूर जाएगी अत्याचार बढ़ेंगे, लेकिन अत्याचार बढ़ने से ही इनकी आंखें भी खुलेंगी। जब तक ये अत्याचार नहीं बढ़ते, समाज वो है ये, जब तक इनको गुलामी का एहसास नहीं कराया जाता, जब तक ये जागते नहीं है, अत्याचार तो इन पर होने चाहिए। जब से बाबा साहब के संविधान में दिए हुए आरक्षण के प्रावधान के आधार पर इनको लंबी गाड़ी और ऊंचे मकानों में रहने की आदत पड़ गई है, जब से लोगों को चर्बी चढ़ गई है, चर्बी ये घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हैं। क्या संदेश दोगे समाज को? मेरा संदेश सिर्फ यह है कि बाबा साहब के आरक्षण के प्रावधान का लाभ उठा करके जिन देश के लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है, आज उन्हें पे बैक टू सोसाइटी करने की आवश्यकता है। उन्होंने अच्छे मकान बना लिए, अच्छी दुकानें बना ली, अपने बच्चों को पढ़ा लिया है, आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, आज उनका दायित्व बनता है कि गरीब तबके के उन लोगों को इस 30 करोड़ की दलित आबादी में अगर 15 लाख कर्मचारी और अधिकारी आज आरक्षण की बदौलत नौकरी कर रहे हैं तो 29 करोड़ 85 लाख आज भी वो लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं और बाबा साहब की तस्वीर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिनको बढ़ना चाहिए और जिनको आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, अगर वो धूम में खड़े होकर के बाबा साहब का नारा भी नहीं लगा सकते तो कम से कम नारा लगाने वालों के लिए पानी का प्रबंध तो कर ही सकते हैं, ये उनको सोचना चाहिए। सभी राजनीतिक दल जो बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रहे हैं आज की डेट में, उनको पता लग चुका है कि बाबा साहब के बिना उनका कल्याण होने वाला नहीं है। और हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को और हमारे समाज के वोटर को दिग्भ्रमित करने के लिए और बाबा साहब की फोटो लगा करके ये मैसेज देने के लिए कि मैं बहुत बड़ा अम्बेडकर वादी हूँ, वो समाज की जो है ना आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल भी बाबा साहब को लेकर चले गए, पंजाब लेकर चले गए हैं, बाबा साहब को लेकर के वो कहीं तक भी चले जाएं, लेकिन ये सच्चाई है कि बाबा साहब की विचारधारा पे वो 1% भी नहीं चल रहे हैं। केजरीवाल जी के दिल्ली के 7 साल के सत्ता के दौरान RTI के माध्यम से हमने जानकारी ली है, मात्र 419 लोगों को सरकारी नौकरी दी हुई है। अगर बाबा साहब की विचारधारा है तो जिन 8 लाख कर्मचारियों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात कही गई थी, अगर वो 8 लाख कर्मचारियों को नौकरी देने की बात में सही उत्तर दे तो उसमें 22% के हिसाब से हमारे SC ST के लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलती। लेकिन निजीकरण के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर, शोषण के नाम पर, आउटसोर्स के नाम पर, वाल्मीकि समाज के नाम पर, झाड़ू के नाम पर उन्होंने यहाँ के समाज को ठगने का काम किया है और दिग्भ्रमित करने का काम किया है। बाबा साहब की मात्र फोटो लगाने से कोई अंबेडकरवादी नहीं बन जाता, अंबेडकरवादी वो होता है जो बाबा साहब की विचारधारा को धरती पर उतारने का काम करे। दिल तो खुश हो जाते हैं ना फोटो से ही केवल। यस, ये दुर्भाग्य है हमारा, ये हमारा दुर्भाग्य है। देखिए दिल्ली के अंदर अगर हम समाजों की बात करें तो दिल्ली में सबसे बड़ी तादाद समाज के हिसाब से वाल्मीकि समाज की है। वाल्मीकि समाज झाड़ू को गौरव समझ करके और केजरीवाल की पूंछ पकड़ कर उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि राज्यसभा की 8 सीटें आई, 3 दिल्ली में आई, 5 पंजाब में आई, क्या उन 8 सीटों में किसी भी दलित को या मुस्लिम को उसने प्रतिनिधित्व दिया? एक को भी नहीं दिया। लेकिन आप लोग समझा नहीं पाए ना, तो कर रहे हो, आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना आप जैसे लोगों को? हमारी जिम्मेदारी समाज को देखिए, उन्हें जागरूक किया जाए, समाज को जगाने का, जागरूक करने का अभियान चल रहा है। लेकिन ये समाज वो समाज है जो काफी दिनों से भटका हुआ समाज है, ये वो समाज है जिसने पचकुइया रोड के वाल्मीकि ऐतिहासिक मंदिर में गांधी जी के कहने से बाबा साहब को उस मंदिर में घुसने नहीं दिया था, ये वो समाज है। ये अब तो जय भीम बोलने भी लगे, लेकिन एक जमाना ऐसा था जो बाबा साहब को गाली दिया करते थे। तो जब परिवर्तन आएगा, परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, युवा परिवर्तन के तरफ बढ़ रहा है, युवा जय भीम बोलना शुरू कर दिया है, युवाओं ने अम्बेडकर जयंती मनानी शुरू कर दी है, तो धीरे धीरे परिवर्तन जो आ रहा है उस धीरे धीरे आने वाले परिवर्तन में अभी तक ये उस अम्बेडकरवाद से बहुत दूर हैं। आडंबर के नाम पर, पाखंड के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर ये समाज बिल्कुल 99% भटका हुआ है। जितनी ज़्यादा पाखंडवाद में ये समाज पड़ा
खड़ा हुआ है उसी का कारण है कि बाबा साहब का मात्र नाम लेने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं बन जाता। वो चाहे कोई भी समाज हो, जब तक बाबा साहब की विचारधारा को अपनाया नहीं जाएगा, जब तक बाबा साहब की विचारधारा के अनुरूप अपने कर्मकांड और पाखंडों को छोड़ करके लोग बाबा साहब को अपनाएंगे नहीं और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जब तक केजरीवाल जैसे लोग, बहरूपिया लोग हमारे बीच में आते रहेंगे, हमारी वोटों को ठगते रहेंगे, हमें भ्रमित करते रहेंगे। और चाहते केजरीवाल ब्रह्मा विष्णु को ना माने, नहीं वो किसी को भी माने, नहीं बाबा साहब तो नहीं माने, नहीं देखिए वो किसको माने, ये अधिकार तो बाबा साहब ने सबको दिया था, ये अधिकार हमें नहीं है, देश के हर नागरिक को मानने का अधिकार है। लेकिन जो लोग अंबेडकरवादी अपने आप को कहते हैं और कहने के बावजूद भी ब्रह्मा विष्णु और महेश की बात करते हैं, उसका उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया है, जहां 28% की वोटों से 13% पे आ गए हैं। वो वही कारण है वहां पर कि बहुजनों का तो हित हुआ नहीं और सरजनों की हमने ठेकेदारी ले ली, वो आपने देख लिया बहुत अच्छी तरह। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश के समस्त देशवासियों को बाबा साहब की 131वें जन्मदिवस की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला वर्ष इस मिशन को, इस कारवा को और आगे लेकर के जाएगा। वैसे तो बाबा साहब के हमारे बीच से जाने के 66 वर्ष बाद भी हम लोग जो है अप्रैल के महीने में जयंती मनाते हैं और उसके बाद में 11 महीने तक सो जाते हैं, लेकिन अब काम ऐसे चलने वाला नहीं है। जो लोग, जो श्रद्धालु यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाने के लिए एक दिन आते हैं, उन सबसे मेरा ये आग्रह है कि रचनात्मक कार्यों के अंदर साल के पूरे 365 दिन को लगाएं और इस देश में बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरी पार्टियां करते रहिए 365 दिन बाबा साहब। हाँ, दूसरी पार्टियां करिए, बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दूसरी पार्टियां, एक दिन उनका एक प्रोग्राम खत्म होता है, अगले ही दिन वो अपने दूसरे प्रोग्राम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन हमारे समाज के ज़्यादातर लोग जो है अप्रैल के महीने में जागे हुए होते हैं, 11 महीने में सोते रहते हैं और उनको जागना पड़ेगा। जिन लोगों को पानी पी पी करके गाली देते हैं मनवाद के नाम पर, उनसे संगठनों को मजबूत करने की चीज़ें सीखनी पड़ेगी और जिस तरीके से वो लोग सुबह 6 बजे उठ करके शाखाएँ लगा करके हमारे ही समाज के युवाओं को बहला करके, भरमा करके अपने पक्ष में लाने का काम कर रहे हैं, तो हमारे समाज के लोगों को भी इस तरीके की शाखाएँ लगा करके युवाओं को जागृत करने की जरूरत है। सर, पहले से मिशन कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है? देखिए, मिशन कमज़ोर तो नहीं हुआ है, किसी भी सूरत में मिशन कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि एकीकरण की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा संगठन बन गए हैं और पगड़ी और मूछों की लड़ाई के वर्चस्व की लड़ाई में हम लोग, हर आदमी चौधरी बन गया है जो एक दूसरे की जो है ना लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे टुकड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, समाज में जागृति बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा साहब के विचारों को लोग कम समझ रहे हैं, उनको ब्रांड ज़्यादा बना दिया लोग? नहीं, बाबा साहब के विचारों को कम समझ रहे हैं ऐसा मैं नहीं मानता, एक बहुत सारी युवा पीढ़ी और एक बहुत सारे समाज के ऐसे लोग जो बाबा साहब को जानते भी नहीं थे, बाबा साहब को गाली देते थे, बाबा साहब के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस समाज ने भी बाबा साहब को अपनाना शुरू कर दिया, बाबा साहब की जयंती मनानी शुरू कर दी, जय भीम बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एकीकरण की है। इस बिखरी हुई शक्ति को एक मंच पर कैसे लाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो आप कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, आप जैसे लोग, तमाम संगठन। मेरे एक अकेले के प्रयास करने से नहीं होगा, जब सब लोग उस होने वाले प्रयास में अपने आप को भागीदार नहीं बनाएंगे। जैसे हमने ठेकेदारी हटाओ रास्ते संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे 25 संगठनों को जोड़ा है, लेकिन वो 85 संगठन के जुड़ने से मात्र बात नहीं बन रही ना, देश बहुत बड़ा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत बड़ा है। जैसे जिन लोगों की हम आलोचना करते हैं, उन्होंने तमाम हजारों संगठन बना रखे हैं, लेकिन जब राजनीति के महायज्ञ में आहुति देने का वक्त आता है, वो अपनी सारी विचारधाराओं को बुला करके सब एक जगह वोट कास्ट करते हैं, जिससे उनकी राजनीति में उनको जीत मिलती है, सत्ता में उनकी जीत मिलती है और हमारे लोग एक दूसरे की टांग खींचते खींचते जो है 66 साल में आज तक राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक तरफ नहीं बढ़ पाए। लेकिन सर, तमाम लोग कह रहे हैं कि मिशन कमज़ोर हो गया, इसलिए राजनीतिक भी हम कमजोरी आ गए। ये तो देखिए, अपनी अपनी सोच हो सकती है, मैं तो ये बात नहीं कहूँगा।